ये देखिए कैसे क्लैप कर रहे हैं, शायद ये सेंटा क्लॉज से गिफ्ट मांग रहे होंगे, कोई मिल जाए जल्दी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सबसे पहले आपको मैरी क्रिसमस। तो गाइस आज पैदल ही जा रहा हूँ, स्कूटी लगाई है गांधीनगर में पार्क, तो अभी जा रहा हूँ चर्च में क्योंकि क्रिसमस आज, तो चलता हूँ चर्च में, तो आपको दिखाता हूँ चर्च की रौनक। तो लेट्स गो गाइस। स्कूटी यहाँ पे काम करता हूँ, वहाँ पे पार्क की है क्योंकि आगे पता नहीं उधर पार्किंग मिले, चर्च के पास पार्किंग मिले या नहीं मिले, तो पैदल ही जा रहा हूँ, 5 मिनट का रास्ता वहाँ से, तो अब चलता हूँ चर्च के लिए। तो चर्च वाले रोड पे काफ़ी जाम है, तो दिखाता हूँ आपको रोड के उस पार है चर्च, तो आपको चलते हैं चर्च के पास, तो दिखाता हूँ आपको चर्च। रवि भाई मेरे साथ जा रहे हैं चर्च के लिए, तो लाइन में लगे हैं, अभी चलते हैं। तो आज ये देखिए मोमबत्ती बेचने वाले बच्चे आ गए हैं। इस रोड से पहले एंट्री थी, आज इस रोड से मन किया आउट हो सकता है, बाहर जा सकते हैं, तो इस रोड से आना पड़ रहा है। अब कर लिया चर्च के एंट्रेंस, तो दिखाता हूँ आपको एंट्रेंस। रवि भाई की तो बैग की चेकिंग चल रही है, तो इनके बैग की चेकिंग चल रही है, तो रखना पड़ रहा बैग साइड पे। रवि भाई को तो सिर्फ पर्ची लेने दिया, बैग उधर ही छोड़ना पड़ेगा। स्टार्ट करने लगे हैं, वहाँ प्रार्थना करने लगे हैं, यहाँ पे स्टार्ट में ये आ गया भाई। इस साइड है कैंडलें, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडलें, कैंडलें देख के श्रद्धांजलि दे रही हैं ऊपर यीशु जी का आशीर्वाद लेने। भाई ये फादर की पिक्चर है पुरानी, ये बुरा हाल है। ये देख सकते हैं तो भाई जी यीशु जी का लोगो है भाई। वहाँ से कपड़े की थी हमने एंट्री, जा रहे हैं यहाँ पे, इस साइड जा रहे हैं हम। कितना प्यारा डिजाइन किया है, जिसकी भी कलाकारी है सबसे बेस्ट कलाकारी है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब आपको दिखाना चाह रहा हूँ स्मार्ट विलेज, काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन की है, आपके देख कर मन खुश हो जाएगा, इतनी तरह बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया है, तो चलिए दिखाता हूँ आपको बढ़िया तरीके। भाई अभी आपको पब्लिक दिखाता हूँ, अभी थोड़े से लोग आए हैं, तो पब्लिक देखिए। अब आपको जो दिखाने जा रहा हूँ मेरे लिए तो बहुत फनी है, तो आपको दिखाता हूँ अभी, अभी हंसी से लोटपोट हो जाएंगे, कितना फनी है वो। तो भाई ये देखिए सेंटा क्लॉज को कैसे बाजा बूजा लगा के रखा हुआ है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। भाई नीचे तो पूरी तरह से रूम बसाया हुआ है, ऊपर सेंटा क्लॉज को बाजा लगाया हुआ है। देखिए कैसे क्लैप कर रहे हैं, शायद ये सेंटा क्लॉज से गिफ्ट मांग रहे होंगे, कोई मिल जाए जल्दी। तो भाई ये दृश्य भी बेहतरीन है, बढ़िया, मतलब आर्ट किया है यहाँ पे, तो मेरे को भी बढ़िया लग रहा है। चर्च इस तरह से दिख रही है, बाहर से इस तरह से दिख रही है। अभी रवि भाई ने बैग भी अपना ले लिया, अभी मिला इनको, इस तरह से चर्च दिख रही है, क्या सुंदर डिज़ाइन की है, सजाई हुई है। अब आ गया मैं चर्च से, तो रवि भाई भी अपने घर चले गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ स्कूटी लेने, अपनी स्कूटी लेके निकलूँगा सीधे घर के लिए।
अब ले लिए स्कूटी अपनी, तो हेलमेट वेलमेट भी डाली है, ग्लव्स भी डाली हैं। तो अभी चलता हूँ घर के लिए क्योंकि बहुत ठंड है। सभी पहुँच चुका हूँ घर, तो सीधे छत पे आया हूँ। तो बाहर तो भाई बहुत ठंड है, कल बेशक थोड़ी बहुत धूप थी तो मगर आज धूप भी नहीं है, कोहरा ही कोहरा है। तभी थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है। हमारे घर में एक छोटा सा सेंटा क्लॉस बना हुआ है, तो अब दिखाता हूँ आपको सेंटा क्लॉस। सेंटा क्लॉस तो सेंटा क्लॉस, छोटा सा सेंटा क्लॉस है ये। घर में छोटा सा सेंटा क्लॉस बना हुआ है, तो डुग्गू भी आ रहा है दूर से, तो सेंटा क्लॉस ये गिफ्ट मांगेगा। देखते हैं सेंटा क्लॉस क्या गिफ्ट देता है इसको। तो ये दी है टॉफी, सेंटा क्लॉस गिफ्ट टॉफी। आए सभी मैं नहा लेता हूँ क्योंकि परसों भी नहीं नहाया था, तो कल नहाया था, आज संडे भी है, तो संडे को हर कोई नहाता है, तो मैं भी नहाऊँगा। थोड़ी धूप भी खिल चुकी है तो अब नहाता हूँ। अब मैंने नहा लिया तो एकदम फ्रेश सा फील हो रहा है, तो अब चलता हूँ नीचे, कपड़े डालता हूँ, कपड़े रखे हैं इधर, तो कपड़े डालता हूँ, तो फिर उसके बाद चलता हूँ नीचे, खाना वाना खाता हूँ।